एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। तिग्मांशु धूलिया क्यों बना रहे हैं दबंग 4? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। तिग्मांशु धूलिया ने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि वो सलमान खान को दबंग के अगले भाग में डायरेक्ट करने वाले हैं। तिग्मांशु धूलिया इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर एक साल से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो ये काम खुद सलमान खान ने तिग्मांशु धूलिया को सौंपा था, क्योंकि सलमान खान चाहते थे कि चुलबुल पांडे का कालेवर बदले। तो अब चुलबुल का किरदार उम्र के साथ काफी सहज और सुलझा हुआ दिखाई देने वाला है और पूरे किरदार को मेकओवर मिलने वाला है। सलमान खान ने काफी पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि दबंग 4 में चुलबुल पांडे वैसा नहीं रह जाएगा जैसा कि दबंग में था। और तिग्मांशु धूलिया की एंट्री से ये भी लग रहा है कि इस बार चुलबुल पांडे का नाता राजनीति से जुड़ सकता है, जिसके तिग्मांशु एक्सपर्ट है। खैर, ऐसा हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि चुलबुल का कैलेवर और देसी और खालिस होने जा रहा है। सलमान खान को सबसे पहला इमेज मेकओवर मिला था सतीश कौशिक की फिल्म तेरे नाम के साथ। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को सलमान खान ने झट से हाके दिया। पहले इस फिल्म में सलमान खान को अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अनुराग कश्यप ने सलमान खान को अपने छाती के बाल बढ़ाने को कहा, और इस बात से नाराज होकर सलमान ने अनुराग को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेरे नाम की रिलीज के पहले तक सलमान खान सूरज बरजातिया की बनाई हुई प्रेम की इमेज पर ही टिके रहे। वो बॉलीवुड के टिपिकल रोमांटिक हीरो के अवतार में बस चुके थे। हालांकि बीच बीच में करण अर्जुन और बंधन जैसी फिल्मों के साथ सलमान खान ने अपनी रोमांटिक छवि को तोड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन दर्शकों का प्यार उनकी इसी छवि के साथ मिलता था। 90 के दशक के अंत तक सलमान खान रोमांटिक कॉमेडी छवि का ओवरडोज दर्शकों को मिला। ऐश्वर्या राय के ब्रेकअप के बाद उनकी रियल इमेज उनकी रियल इमेज पर हावी पड़ गई और सलमान खान की फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप होती चली गई। इन फिल्मों में सलमान खान की छवि रोमांस और कॉमेडी की थी, जबकि रियल लाइफ में उनकी इमेज एंग्री यंग मैन की बन चुकी थी। लेकिन फिर सलमान खान को जीवन दान दिया था प्रभु देवा ने फिल्म वांटेड के साथ। इस फिल्म में सलमान खान ने एक्शन किरदार के साथ पर्दे पर वापसी की और उनका ये कमबैक उनके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इस फिल्म के साथ सलमान खान पर्दे पर वही दिखाई दिए जो कि वो असल जिंदगी में है। सबकी आन, सबकी शान, सबका एक भाईजान, चल पड़ा ब्लॉकबस्टर सिलसिला। सलमान खान की भाई इमेज फैंस को इतनी पसंद आ गई कि उनकी ये रॉबिन हुड सरीखी गुंडई और स्वैग फैंस को भा गया। इसके बाद सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर सालों तक राज किया। वो जिस भी फिल्म के साथ जब भी स्क्रीन पर आते मानो बॉक्स ऑफिस के लिए त्योहार हो जाता। इस बीच सलमान खान ने एक्शन के साथ ही बजरंगी भाईजान जैसी इमोशनल फिल्म भी दी, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। सुल्तान में सलमान ने एक्शन और इमोशन दोनों दे डाला। फिर चल पड़ा है फ्लॉप सिलसिला। अब एक बार फिर दर्शक सलमान खान की छवि से अजीज हो चुके। ट्यूबलाइट और भारत में सलमान खान के इमोशन को दर्शकों ने नकार दिया, तो वहीं रेस 3, दबंग 3 और राधे में सलमान खान के एक्शन को सिरे से दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में अब एक बार फिर सलमान खान अपने करियर की दिशा और अपने किरदारों के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सचेत हो चुके हैं, और यही कारण था कि दबंग 4 में चुलबुल पांडे के मेकओवर की जिम्मेदारी तिग्मांशु धूलिया को सौंपी गई है। सलमान खान इस समय सचेत होकर फिल्मों का चुनाव कर रहे हैं। यही कारण है कि राजकुमार गुप्ता के साथ सलमान खान ने अपनी जिंदगी की पहली बायोपिक चुन ली है। ये फिल्म मशहूर भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक पर आधारित होगी, जो कि भारत में ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर थे। रविंद्र की जिंदगी बेहद प्रभावशाली थी और वो भारत के लिए पाकिस्तान आर्मी में जासूस का काम करते थे। इतना ही नहीं, दबंग 4 के साथ अब चुलबुल पांडे के नए अवतार का फैंस को भी इंतजार है। हालांकि माना जा रहा है कि अभी भी चुलबुल पांडे का सेंस ऑफ ह्यूमर उसके पास ही रहेगा, लेकिन फिर भी उसके किरदार में संजीदगी आएगी। दबंग 4 का आइडिया सलमान खान को फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया ने पिछले साल दिया था, जो सलमान खान को काफी पसंद आया था। इधर तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि दबंग 4 2022 में फ्लोर पर चली जाएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं सलमान खान के मेकओवर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़।